नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम द्विवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी भथुए के साथ मिक्स दाल, जिसमें कि ये पहले तो हम भथुआ लेंगे और ये हमारा 300 से 350 ग्राम ये हमारी दाल होगी। जो इसकी भथुए की जो मोटी डंडल होती है ना, उसको साइड कर लेंगे, जो टाइट होती है। उसके बाद हम ये चुन के साइड कर लेंगे, जो मुलायम होगी, जो पत्ते वाली होगी उसको कर लेंगे। उसके बाद उसको हम बारीक काट लेंगे, हसिया से काट लें, चाकू से काट लें, जैसे भी हो। और इसको कम से कम 2 से 3 बार किसी बड़े बर्तन में इसको धोएं, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 2 से 3 बार धोना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जैसे कि हमने ये दाल को भी साइड कर लिया, इसको बारीक काट भी लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, इस कुकर में सारे इकट्ठे इसको डाल लेंगे। ये जो हमारा भथुआ कटा हुआ है ये, और ये बाकी हमारा जो दाल है इसको भी इसमें डाल लेंगे साथ में। दोस्तों, इसमें जैसे आपने देखा, मैंने दोनों इकट्ठे से कुकर में डाल लिया। उसके बाद अपने हिसाब से आप पतली दाल खाते हो, गाढ़ी खाते हो, जैसे भी आप खाते हो, आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। मैंने इसमें पानी डाल लिया। उसके बाद हम इसके साथ में 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। जैसे हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। हींग तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, खास कर इन सब उसमें। ज़रा से अपने हिसाब से जैसे आप पसंद करते हो, तो जैसे हमने इसमें हींग डाल दिया, और इसमें नमक डालेंगे। अब आप अपने हिसाब से नमक डालिए, क्योंकि थोड़ा बाद में टमाटर जब भूनेंगे तो थोड़ा सा नमक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि टमाटर भी उसको नमक साथ गलाना है। तो इसको हम ऐसे इसी ढक्कन लगा देंगे, इसको हम ऐसे ढक्कन लगा देंगे, मिक्स हो जाए। थोड़ा सा हिला लेंगे कुकर को ताकि मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसको जलाएंगे गैस को, और कम से कम 2 से 3 4 सीटी लगनी चाहिए। वैसे गल जाती है जल्दी, लेकिन 3 सीटी 4 सीटी लगनी चाहिए इसमें। तो हम दाल फ्राई के लिए कम से कम मीडियम है 3 हमने टमाटर ले लिया, बहुत बड़ा प्याज नहीं है, एक बड़ी एक छोटी है, लेकिन 2 प्याज ले लेंगे, 2 से 3 हरी मिर्ची ले लेंगे, ये अदरक ले लेंगे, और लहसुन अपने हिसाब से ले लेना, और कम से कम 4 से 5 ये लहसुन की कलियां ले लेंगे। हमारी दाल ज़्यादा है, इस बार मैंने ज़्यादा लहसुन ले लिया। अब इसको हम बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में प्याज काट लेंगे, साइड कर लेंगे, टमाटर अलग कर लेंगे, मिर्ची काट लेंगे, और जो लहसुन और अदरक है इसको हम पेस्ट बना के और इसमें डालेंगे। बन रहा है, बस 2 से 3 सीटी होने वाली है। तब तक मैंने प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया, मिर्ची काट लिया, और उसके बाद से ये हमने ये थोड़ी सी अदरक है और लहसुन काट लिया। अब मन करे तो छौंक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा इसमें इसको हल्का सा पेस्ट कर लेंगे, बहुत हल्का या जैसे भी ऐसे करके इसको कर लेंगे। इसमें चाहे तो आप इसको पेस्ट बना लो, चाहे तो इसमें कूट लो, या चाहे तो ऐसे भी आप छौंक लगा सकते हो। जैसे कि दोस्तों, ये हमारी दाल गल चुकी है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं गलाया, आप चाहो तो ज़्यादा गला सकते हो। तो अब हम ये फ्राई करने के लिए, दाल को फ्राई करने के लिए गैस जलाएंगे किसी भी बर्तन में। मेरे पास यही है, कढ़ाई है, तो हम इसको रखेंगे गर्म होने के लिए। जैसे कि ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गया, अब इसमें हम तेल डालेंगे अपने हिसाब से। आप मतलब इतना तेल होना चाहिए कि प्याज हमारा भुन जाए, टमाटर भुन जाए, आप चाहे तो घी में भी छौंक लगा सकते हो। मैंने तेल डाला इसमें। अब इसमें हम 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल लेंगे। जैसे कि ये हमारा तेल गर्म हो रखा है, हम आँच को मीडियम कर देंगे। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च भी डाल लेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची 2-3 डाल लिया था हमने, फिर साबुत लाल मिर्च भी डाल लेंगे, इसे और स्वाद आता है इसमें। उसके बाद ये हमारा गरम हो रहा है, ये हमारा ये ब्राउन कलर का हो गया। अब इसमें जो मैंने कूट रखा था ये अदरक और उसमें लहसुन और अदरक था, अब इसमें हम डाल लेंगे ताकि ये थोड़ा सा हमारा ये भी भून जाए, लहसुन भी भून जाए और अदरक भी तेल में भून जाए। उसके बाद हम इसमें ये टमाटर जो कटा हुआ था ना, इसके बाद हम हरी मिर्ची और टमाटर डालेंगे साथ में। को हम बराबर चलाते रहेंगे मीडियम आंच पे, और ये जब हल्के ब्राउन कलर के हो जाएंगे उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, और ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती हमने काट रखा है पहले से ही, इसको अभी साइड कर देंगे।
इसमें आप देख रहे हो, इसमें हमारे हल्के ब्राउन कलर के हो गए। अब इसमें हम टमाटर को डालेंगे और टमाटर डाल के और अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्ची है, लाल मिर्च भी हमने साबुत डाल दिया, तो इसमें अपने स्वाद के हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ये आधी चम्मच से भी कम, ये मैं इसमें लाल मिर्च भी डालूँगी भूनने के लिए। बाकी मसाला नहीं डाल रही क्योंकि मसाला डालने से फिर दाल का स्वाद नहीं रह जाता, फिर वही है ना सब्जी का आएगा, तो ये ऐसे बनाने पे फिर दाल का स्वाद आता है। और हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे क्योंकि जब मैंने दाल चाहा था थोड़ा सा नमक कम डाला था उसके हिसाब से, क्योंकि ये टमाटर गलने भर का थोड़ी सी नमक चाहिए, तो मैंने इतना इसमें नमक डाल लिया ताकि ये हमारा टमाटर गल जाए। अब इस तरह से ये हमारा टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची और ये हल्का सा हमने पेस्ट बनाया था अदरक और लहसुन का, ये भून के हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम दाल को डाल लेंगे, इसमें हम दाल को डालिए। हमारे चने का जो दाल है ना साबुत रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, खाने में और अच्छा लगता है। बाकी आप चाहो तो गला सकते हो। बाकी हम इस सारे दाल को इसी में डाल के, दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारी दाल अच्छे से उबाल लेने लग गई है। कितना सुंदर, कितना अच्छा इसका कलर आया है और खाने में वो काफ़ी अच्छा है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये। जैसे कि हमारी दाल ये बनके तैयार हो गई, देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है। ये हमने जितना भी इसमें डाला अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स हो गया और ये कितने अच्छे से हो गया, ये बन के तैयार हो गई हमारी दाल। और इसमें अब हम तैयार हो गए, हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से हम इस धनिया को ऐसे डालेंगे। इस तरह से हमारी दाल बनके तैयार हो गई। तो इस तरह से ये हमारा दाल बनके तैयार हो गया, मैंने अपने तरीके से बनाया। अगर अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू सो मच।